हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एचसीएम और एडब्लू टीपीओ के लिए। ये हमारा टेस्ट हुआ था संडे को, और अब की बार संडे को हमने कंप्लीट एमएस ऑफिस का टेस्ट दिया था, जिसमें से एमएस एक्सेल का हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, रैंकर साइको एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, तो आपको रैंकर साइको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, बैच को परचेज कर लेना है, उसके बाद आपको 9728275755 पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा पीडीएफ्स प्लस में लाइव टेस्ट के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको कोर्स परचेज करने के बाद इन नंबरों पर संपर्क करना है। बैच की फीस है 649 रुपीज, एडब्ल्यू टीपीओ की, एचसीएम की है आपकी 549 रुपीज। 104 डिक्टेशन हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये लाइव डिक्टेशन हमने 10 डेज ऑफ कर दिया है। क्यों किया है? ताकि बच्चा प्रीवियस जो डिक्टेशन है उनको रिवाइज कर ले। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बच्चे यहाँ पर ज्वाइन ना करें जो 10-5 फीचर पर बैठे हुए हैं, जो एडब्ल्यू टीपीओ के अंदर गिवन है 10 फीचर। मेरा काम है कि मैं एचसीएम वालों को भी क्लियर करवाऊं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, और एडब्ल्यू टीपीओ वालों को भी करवाऊं। प्रैक्टिस सेट हमारे अल्टरनेट होंगे, एक एचसीएम का होगा 20 फीचर्स का, उसके बाद एडब्ल्यू टीपीओ का होगा। तो प्लीज ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद ये सब आर्ग्यूमेंट न करें कि सर अलग से ग्रुप बनाइए, हम नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा मन नहीं करता प्रैक्टिस सेट करने का। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है तो आप बैच ज्वाइन नहीं कीजिए। बैच ज्वाइन आप किस लिए कर रहे हो? मेरी गाइडेंस के अंदर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे होगे, ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, तो आप 10-5 फीचर के ऊपर बैठे हुए हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप यूट्यूब से वीडियोज वगैरह सर्च करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और ट्रस्ट अगर आपको मुझ पर है तो ही आप बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ना तो आप हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए, बाद में आपकी फीस वगैरह रिटर्न करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो बैच ज्वाइन तभी कीजिए जब आपको कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, और हम पर ट्रस्ट रहे। तो चलिए एमएस एक्सेल के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे, उड़ाएंगे। माउस कनेक्ट कर लेते हैं। तो भी चलते हैं। ये मैंने आपके लिए सॉफ्ट कॉपी ओपन कर रखी है, इसे जूम कर देते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 था। फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने पावर पॉइंट और एक्सेल का टेस्ट था, उसी दिन ये टेस्ट 3 के अंदर हमारा एक्सेल का टेस्ट था। ऊपर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, 20 फीचर्स आपको दिए गए हैं, हर एक फीचर आपका आधे नंबर का यहाँ पर रहेगा। हैंड आउट और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी रहेगी, तभी आपको यहाँ पर आधा नंबर दिया जाएगा एक फीचर के लिए, अदरवाइज कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। 10 मार्क का आपका ये टेस्ट है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। नीचे चलते हैं, ये आपका हैंड आउट है, इसको आप देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मेटिंग करनी रहेगी। नीचे आपको यहाँ पर चार्ट दे रखा है, तो आपको ये चार्ट सेम चार्ट यहाँ पर इंसर्ट करना रहेगा। नोट यहां पर दे रखा है, एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहां पर कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहां पर दे रखा है, मर द सेल ऑफ द टाइटल रो 3। चलिए अब सॉफ्ट कॉपी पर चलते हैं, इसी प्रकार की सॉफ्ट कॉपी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहां पर बोल रखा है कि आपको टाइटल रो जो 3 है, इसको इसकी जो सेल्स उसको मर्ज करना है। अब मर्ज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है हैंडआउट का, तो हैंडआउट के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कितनी यहां पर मर्जिंग की गई है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो मर्जिंग केवल आपकी टोटल तक की गई है, काफी ज्यादा बच्चे आगे तक इसको मर्ज कर देते हैं, तो जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो इससे पहले आपको हैंडआउट देखना रहेगा कहां तक मर्जिंग कर रखी है हमारे हैंडआउट के अंदर। तो यहां पर टोटल तक मर्जिंग कर रखी है, तो हम इसे टोटल तक मर्ज करेंगे। सिलेक्ट हो गया, अब होम पर जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मर्ज सेल्स हो गया। चलिए फर्स्ट हमारा यहां पर फीचर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, द टेक्स्ट इन द टाइटल रो शुड बी सेंटर अलाइंड। अब सेंटर अलाइंड का आपको देखना पड़ेगा, कुछ बच्चे ओनली सेंटर का यूज करते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे,
जो हमें हैंडआउट दे रखा है उसका यूज करेंगे। तो अब आप यहां पर हैंडआउट देखो तो सेल की विड्थ है वो आपको ज्यादा दिख रही है और ये जो टेक्स्ट है ये आपका बिल्कुल बीच में, यानी कि लेफ्ट राइट ऊपर से और नीचे से बिल्कुल बीच में है। तो इससे हम यहां पर क्या समझ पा रहे हैं, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि इस सेल के अंदर यहां पर जो फीचर यूज किए गए हैं वो सेंटर प्लस में मिडल यूज किया गया है। ठीक है, तो हम यहां पर सेंटर प्लस में मिडल यहां पर करेंगे। उससे पहले हम यहां पर नेक्स्ट पोर्शन को करेंगे, कौन सा, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कहां पर है इसके अंदर, ये रहा, अप्लाई रैप टेक्स्ट इन टाइटल रो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट सिलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया तो रैप टेक्स्ट आपका हो गया है। अब इसे सेंटर प्लस में मिडल कर दो, हो गया। चलिए अब उस क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड वाले को, द टेक्स्ट इन द टाइटल रो 3 शुड बी सेंटर लाइन, हो गया हमारा। नेक्स्ट, द फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट इन द टाइटल रो शुड बी ब्लू। अब यहां पर फॉन्ट कलर जो आपको दे रखा है ब्लू करना आपको टाइटल का, सिलेक्ट किया, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। डार्क ब्लू तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, ओनली ब्लू, तो ओनली ब्लू करना भाई, डार्क ब्लू नहीं करेंगे, तो हमने केवल ओनली ब्लू कर दिया। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोल्ड द टेक्स्ट इन द टाइटल रो 3 हेडिंग रो 4 एज शोन इन द हैंडआउट। अब आपको हैंडआउट के अंदर देखना है, आपका जो टाइटल है ये भी बोल्ड है और ये जो हेडिंग है ये भी बोल्ड कर रखी है, तो इनको बोल्ड कर दो, हो गया। इसे सिलेक्ट करो, बोल्ड करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फॉन्ट स्टाइल इज, आगे आता है ये, इटैलिक्स द टेक्स्ट टाइटल रो 3 एज शोन इन द हैंडआउट। टाइटल रो जो आपकी है इसे आपको क्या करना है, इटैलिक करना है, तो इसे क्लिक करो और इटैलिक कर दो, हो गया इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फॉर्मेट ऑफ सेल्स सच दैट फॉन्ट साइज इज 12। अब आपको ये जो सारी सेल हैं इनका जो फॉन्ट साइज यहां पर रखोगे वो कितना रखोगे, 12 रखोगे, हो गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अप्लाई रैप टेक्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल इज टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन आपको अप्लाई करना है तो कर दीजिए टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई। सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो ये आ गया आपका टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द टेक्स्ट एंड वैल्यूज इन द कॉलम बी टू ई शुड बी इन सेंटर। अब आप यहां पर देख पा रहे हो विड्थ आपकी नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, तो यहां पर जो टेक्स्ट हमारा आ रहा है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, यहां पर मिडल हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहां से कहां तक बोल रखा है, कॉलम बी टू ई, कॉलम बी से लेके ई तक, तो ये हमारी कॉलम है ई तक, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट ए हेडर विद टेक्स्ट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। अब आपको इसका हेडर यहां पर इंसर्ट करना है, मैं कॉपी कर लेता हूं, आपको ये कॉपी करके इंसर्ट नहीं करना है हेडर, ठीक है, मैं यहां पर टाइम की बचत करूंगा। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको हेडर लगाना है, हेडर एंड फुटर पर क्लिक करोगे क्योंकि वहां पर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। एक सेकेंड, तो ये हमने यहां पर हेडर पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट ए फुटर फॉर शीट, ये हमने हेडर यहां पर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंसर्ट ए फुटर फॉर शीट नंबर 1 योर नेम विद अप्लाइड पोस्ट। अब आपको यहां पर फुटर इंसर्ट करना है तो फुटर पर चलते हैं फटाफट से, ये हमारा फुटर हो गया। अब आपको यहां पर अपना नेम डालना है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो पोस्ट यहां पर डाल दोगे, ये HCM AWTP डाल दिया मैंने यहां पर, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट, अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑफ हेडर। अब आपको जो हेडर है उसका टेक्स्ट अंडरलाइन करना है, तो ये कर दिया हमने अंडरलाइन, ठीक है। अब नॉर्मल व्यू पर जाएंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे,
ठीक है, तो ये हमने हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट, यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला द कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पॉपुलेट द ब्लैंक सेल्स शोन इन ब्लैंक सेल्स शोन इन हैंड आउट टोटल ऑफ पीडीएस कैरोसिन एंड डोमेस्टिक एलपीजी। अब आपको यहाँ पर यूज करना है सम फंक्शन का, जिसके अंदर आप पीडीएस कैरोसिन और डोमेस्टिक एलपीजी के अंदर जो डाटा है उसे आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोसम का यूज करूंगा। ठीक है, होम पर जाऊंगा, यहाँ पर ऑटोसम आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको सम कर दिया। अब आपको इसी सेल पर को सिलेक्ट करना है, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो ये हमने ऑटोसम अप्लाई कर दिया, पीडीएस कैरोसिन और डोमेस्टिक एलपीजी का टोटल कर दिया है। कहाँ तक हो गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन, फॉर्मेट सेल्स एज रूपीन कॉलम सी डी एंड ई। अब सी डी ई को आपको की जो सेल्स हैं, ये हमारी सी है, ये डी है, ये ई है, इन सेल्स को फॉर्मेट करना है इन रुपीज के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट को हम सिलेक्ट करेंगे, ये जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पर करेंसी पर जाएंगे, करेंसी पर जाने के बाद यहाँ पर टू डेसिमल प्लेसेस के अंदर बोल रखा है, नहीं बोला, कंप्लीट के अंदर नहीं बोल रखा है। ठीक है, तो टू डेसिमल प्लेसेस को यहाँ से हटाएंगे, जीरो कर दीजिए इसको यहाँ से, और ओके आपको कर देना है। तो ये हमारा रुपी का जो सिंबल है वो इंसर्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द गिवन वैल्यूज इन द टोटल शुड बी टू डेसिमल प्लेसेस। अब बच्चों ने क्या गलती कर रखी थी, कंप्लीट को ये जो हमारी ये वाली जो कॉलम है सी डी, इनके अंदर भी टू डेसिमल प्लेसेस के अंदर वैल्यूज कर रखी थी, जो कि गलत है। आप सैंपल के अंदर देखिए, यहां पर टू डेसिमल प्लेसेस के अंदर वैल्यू कर रखी है, केवल टोटल के अंदर। ठीक है, तो हमें यहां पर केवल क्या करना है, सी डी ई, नहीं ये काम कर गया, टोटल के अंदर ही दे रखा है, यहां पर टोटल के अंदर। कॉल्स बहुत आ रही है, कौन नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। टोटल के अंदर टू डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं आपको, तो इसको हम कंप्लीट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां से आपको देखने को मिलेगा एक तो डिक्रीज डेसिमल, यहां से मिलेगा आपको इंक्रीज डेसिमल, तो इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करो, टू डेसिमल हमें चाहिए तो टू डेसिमल हमने यहां पर लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्लाई ओरिएंटेशन रोटेट टैक्स डाउन इन कॉलम एफ। अब आपको कॉलम एफ के अंदर ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है, ये आपकी कॉलम एफ है, रैंकर्स आईक्यू के अंदर आपको ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है, तो सिलेक्ट कीजिए इसको। अब आपको यहां पर ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है, रोटेट टेक्स्ट डाउन पर क्लिक करोगे तो ओरिएंटेशन अप्लाई हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द टोटल सब्सिडी, टोटल सब्सिडी के अकॉर्डिंग आपको डाटा को शॉर्ट करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो कंप्लीट को यहां पर सिलेक्ट करो। ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करो, कस्टम शॉर्ट पर क्लिक करो, टोटल के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्या करना है, शॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ओके पर क्लिक कर दो, तो ये डाटा हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्ट हो गया टोटल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बाय यूजिंग गिवन डाटा इंसर्ट ए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट वेयर मेंशन डज इट एंड शुड बी सेम इन द हैंड आउट। अब यहां पर जो चार्ट दे रखा है, ऐसा कैसा चार्ट आपको इंसर्ट करना है, और कौन सा चार्ट बोल रखा है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, तो कंप्लीट हमने सेलेक्ट कर ही रखा है, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड के अंदर देख लेते हैं, तो रिकमेंडेड के अंदर आपको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये चार्ट हमने यहां पर लगा दिया है, यहां पर बोल रखा है चार्ट यहां पर लगाना है, तो यहीं पर हम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम है ना, बिल्कुल देख लेते हैं एक बार दोबारा से मैच कर लेते हैं चार्ट हमारा सेम है या नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल रखा है सेम होना चाहिए। पीडीएस केरोसिन एलपीजी डोमेस्टिक 7000, अच्छा शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर, शॉर्टिंग होने के बाद क्या हो रहा है, चार्ट चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, चार्ट को फिलहाल हटाओ यहां से। ठीक है, अब इंसर्ट पर क्लिक करो, रिकमेंडेड चार्ट्स क्लस्टर्ड कॉलम पर रहना रखना आपको, ओके पर क्लिक कर देना है, तो देखिए सेम आ गया ना। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जब हम इसे शॉर्ट करें
तो ये आपका चार्ट चेंज है वो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैनुअल कर देंगे। अब आप इसको जब शॉर्ट करोगे तो आपका चार्ट चेंज नहीं होगा, ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसे शॉर्ट कर दो आप टोटल के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, होम पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट, टोटल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया और हमारा चार्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज नहीं हुआ। तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो फॉर्मूलाज के अंदर जाकर कैलकुलेशन ऑप्शंस में मैनुअल, ठीक है। चार्ट दोबारा से मैच कर लो तो वही चार्ट आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हो गया, इंसर्ट ए क्लिप आर्ट ऑफ एनी बर्ड वेयर मेंशन द सीट। अब आपको यहां पर क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पर क्लिक करो, इलस्ट्रेशन पर क्लिक करो, पिक्चर्स पर क्लिक करो, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करो। अब किसी भी एक बर्ड की आपको यहां पर क्लिप आर्ट लगा देनी है, ये रे बर्ड्स, ठीक है, इंसर्ट कर दो यहां से। अब इसे यहां से थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, तो ये हो गई हमारी क्लिप आर्ट यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसर्ट द फॉलोइंग शेप्स एज गिवन इन द शीट। अब आपको यहां पर शेप्स इंसर्ट करनी है, डायमंड की और एक ब्लॉक आपकी, तो इंसर्ट पर क्लिक करो, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इलस्ट्रेशन, शेप्स पर जाओ। अब डायमंड की आपको यहां पर देखनी पड़ेगी भाई, ये रे डायमंड, ये डायमंड की शेप इंसर्ट हो गई। ब्लॉक आर्क करना है, इंसर्ट पर क्लिक करो, शेप्स पर क्लिक करो, अब ब्लॉक आर्क, ये ब्लॉक आर्क हो गया आपका, ड्रैग कर दो, ब्लॉक आर्क की हो गई आपकी, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया सेट, ठीक है। इसी प्रकार से करना रहता है, कुछ भी नहीं है, एक बार हैंडआउट से मैच कर लेंगे कंप्लीट को। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।